आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य पे जैसे ही सुबह सुबह पता चला सारे छोटे बड़े भाई एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आज वीर शिरोमणि की जयंती बनाने का मौका मिला है। तो आप सबको पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। किस जगह बनाई गई ये जयंती? ये अपने महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी पुष्कर घाटी के नज़दीक में ही है। क्यों मनाई जाती है जयंती? ये जयंती का तो सबसे पहला उपलक्ष्य ये है कि महाराणा प्रताप बहुत ही महाराणा प्रताप हो और भी राजस्थान लेवल पे बहुत ही अच्छे अच्छे जो हमारे वीर हुए हैं तो उनको याद के अंदर उनके लिए एक वो चीज़ रखी जाती है। और हम लोग सभी इस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं तो आज हमें आके बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से सब लोग धीरे धीरे आएँ और माल्यार्पण करके महाराणा प्रताप को याद किया जाए और उनकी जयंती को हर्षोल्लास से मनाया जाए। आपका नाम? नरेश चौधरी, निक्की चौधरी। सबसे पहले तो भारत के वीर पुरुष महाराणा प्रताप जयंती की आप सभी शहरवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेवाड़ के वीर पुरुष जिसने पूरे देश में अपना नाम किया, कभी किसी बड़े तंत्र के आगे झुका नहीं, ऐसे वीर पुरुष को कोटि कोटि नमन। हम आप सभी को यही कामना करते हैं कि इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद। आज महाराणा प्रताप जय की 482वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इन्हें माला पहनाकर और इनकी जयंती मनाई गई है। और हम सब इनसे कई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है अपन को, और देशवासियों को भी इससे सीखना चाहिए। आज के दिन यहाँ पर आकर इनको माला पहनाएं, इनके नमन किया जाए इनको, और इनसे कई प्रेरणाएं लेने की ज़रूरत है अपन को, कई चीज़ें सीखने को है। और इस उपलक्ष्य पे सबसे पहले तो मैं देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। आपका नाम? रविंद्र सिंह राठौड़। Gracias.